मनोज बाजपेयी ने दिखाया अपना ट्रिब्यूट द विया की नरेशन करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रिया। मनोज बाजपेयी जो कि हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री की नरेशन करते हुए आपको नजर आएंगे जो कि हिस्ट्री टीवी 18 ने करवाई है या फिर हिस्ट्री टीवी 18 के अंडर ये आने वाली है। इसमें आपको मनोज बाजपेयी नरेशन करते हुए दिखाई देंगे उन सारी चीज़ों का जो भी कोविड के टाइम पे हो रही होती है, और स्पेशली ये फोकस करेगी हमारी वैक्सीन्स मेकिंग पे, क्या क्या डॉक्टर और साइंटिस्ट फेस करते हैं, कैसे वैक्सीन्स को इधर से उधर भेजा जाता है, इसको इस डॉक्यूमेंट्री में कवर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के ऊपर जब मनोज बाजपेयी से पूछा गया कि उन्होंने इस रोल को लेने से पहले क्या सोचा था या फिर उन्होंने ये रोल को क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया था, एक अपॉर्चुनिटी जो कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता था उनका उन सभी लोगों के थ्रू जिन्होंने कोविड के टाइम पे फेस किया था, एक स्ट्रगलिंग टाइम जिनमें कि डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे और बहुत सारे लोग थे जो कि डेली स्ट्रगल करते थे ताकि वो हमारे नेशन को सर्व कर सके। और जब उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरीके के जवाब दिए थे। वी हैव ऑल गॉन थ्रू द पेंडेमिक टूगेदर। आई वॉन्टेड टू पे माई ट्रिब्यूट टू ऑल दो साइंटिस्ट हु वर्क ऑन वैक्सीन्स Relatedly, the health workers, frontline workers, and the reason that inspired me to work in the VR. इस बारे में उन्होंने अपना ओपिनियन रखते हुए ये लाइन्स बोली थी जिसमें उन्होंने बोलने की कोशिश करी थी कि मैं अपना जो है ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ और उन सभी लोगों के लिए मैं इसे करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे नेशन को सर्व किया था। और उसके बारे में उन्होंने इन तरीके की बातें कही थी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जब उनसे पूछा गया दोबारा कि आपको कैसा लगा जब आपने ये डॉक्यूमेंट्री के लिए काम किया, तो उन्होंने कुछ इस तरीके के जवाब दिए थे। द डॉक्यूमेंट्री इज ऑल अबाउट हाउ वैक्सीन कम अबाउट टू द पीपल हु वर्क डे एंड नाइट यूनिट्स फॉर गेटिंग अबाउट देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग एल्स। उन्होंने इस चीज़ पर फोकस डालने की कोशिश करी है कि वैक्सीन जो है कैसे लोगों तक पहुँचाया गया था, जिसमें कि कोविशील्ड और हमारी दूसरी कोवैक्सीन भी थी। तो वैक्सीन्स को लोगों तक कैसा पहुंचाया जा रहा था, किस तरीके से उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उन जगहों पे भी जहाँ पे जो है नाकाबंदी थी या फिर जो एरिया सील थे, तो वो सारे स्ट्रगल को इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी या नहीं देखी और आपको उनकी नरेशन कैसी लगी अगर आपने देखी है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।